बिसम रहीम दिस इज़ द पार्ट ऑफ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चैप्टर सिक्सटीन पीरियाट्रिक्स एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉबनेशन डिफेक्ट्स एक तो मैं पता नॉर्मल हेमस्टाइस होती होती है उसके इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवेज होते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ठीक एक है एक्सट्रेंसिक पाथवे में अगर जो फैक्टर सेवन टेन फिर फाइव और उसमें कैल्शियम फॉस्फोलिपेड सारे आगे कंटिन्यू करते हैं अगर जो एक्सफ्रेंसिक पाथवे में मसला आ जाए फैक्टर सेवन में मसला आ जाए वाइटामिन के डेफिशेंसी हो जाए लेवर कोई डिजीज हो जिसमें कॉगुलेशन प्रोफाइल नहीं मिल रही तो वो प्रोथ्रामिन टाइम को प्रोलॉन्ग करते हैं और अगर फैक्टर ट्वेल्व एलेवन नाइन ऐट में कोई मसला आ जाए तो वो ए पी टी टी को प्रोलॉन्ग करते हैं इस तरह हाउ डू इन्वेस्टिगेट द ब्लड डिसऑर्डर्स आप ब्लड काउंट एंड फिल्म देखते हैं प्रोथ्रामिन टाइम देखते हैं एक्टिवेटेड ए देखते हैं इट्स नॉर्मल थर्टी टू फिफ्टी प्रोथ्रामिन टाइम इज नॉर्मल सिक्सटीन टू एटीन प्लेटलेट काउंट अच्छा प्लेटलेट काउंट जिसमें कम होगा उसमें ब्लीडिंग टाइम वुड बी प्रोलॉन्ग फ्राम टाइम है और फैक्टर एसज है हीमोग्लोबिन ए कब होता है सॉरी 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 सॉरीमोफीलिया ए कब होता है व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर एट और जब फैक्टर एट का सिर्फ एक कंपोनेंट डिफेक्टिव हो या मिसिंग हो तो तब बॉनविल ब्रांड डिजीज होती है बी <coughs> तब होता है व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ए नाइन क्रिसमस फैक्टर और हिमोफीलिया सी तब होता है व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर डेफिशंसीवन आई गेस कन्जम्प कॉन्जम्प्टिव कॉगलोपैथी दैट इज डी आई सी डी आई सी में डी आई सी में हर चीज डिरेंज होगी ब्लड काउंट को अगर देखें थ्रम्बोसाइट ओपिनियन प्रोलॉन्ग प्रोथ्रामिन टाइम ए पी टी टी प्रोलॉन्ग थ्रामिन टाइम प्रोलॉन्ग डिक्रीज फैक्टर एट और ब्लीडिंग टाइम भी जैसे बताया प्रोलॉन्ग एवरी थिंग वुल भी डिरेंज और फेबरिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर तो देट वुल पॉइंट टूअर्स डी आई सी हम फर्दर एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे जिसमें ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है कि कौन से बीमारी में क्या होता है और किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स एडियोपैथिक थ्रम्बोसाइटोपेनिक अब इसका जो है वो पड़े सिनेरियो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट देर इज ब्रूजिंग एंड जनरलाइज पटिशियल राइज जब जनरलाइज पिटिशियल राइज इसका मतलब सुपरफिशियल ब्लीडिंग है इट्स मोर प्रोमिनंट ओवर लेग्स एंड देर इज हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टू मैंशन वाई बिकॉज गिव्स ए हिट के आई टी पी की तरफ जा रहा है कि थ्रम्बोसाइटोपिनिया हुआ है बिकॉज ऑफ देयर वॉज अंडरलाइंग इन्फेक्शन अबाउट टू वीक्स अगो नो हिपेटोसपिनोमी नो लिम्फोडिनोपैथी एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज अदरवाइज नॉर्मल लैब में आपको हिमोग्लोबिन्रिट नॉर्मल डब्ल्यू बी सी काउंट नॉर्मल बस प्लेटलिट काउंट इज लो इसलिए पटिशिया हो रहे हैं अब ये एक पास पेपर का सिनारियो पढ़ें थ्री ईयर ओल्ड बॉय विथ सडन ऑनसेट ऑफ पटिशिया ज कॉन्शियस एक्टिव ए फिब्राइन मतलब कोई बी सिम्टम्स नहीं है विथ no no तो, परपुरा ऑल ओवर द बॉडी एंड देर इज नो लिम्पोडिनोपैथी नो स्पिनोम के लिए सिर्फ ये थर्म्बोसाइटोपिनिया है परपोराज हैं तो इट पॉइंट टूवर्ड्स एडियोपैथिक थर्म्बोसाइटोपिनिक पर्पुरा तीन चीजें तीन चार चीज़ें हैं जो थर्मोसाइटोपिनिक परपुरा में होती हैं आईटीपी में एक तो ये कि ईडियोपैथिक होगा हमें पता नहीं है एबसेंस ऑफ साइन ऑफ एनी द आइडेंटिफाइबल कॉजे ऑफ प्लेटलेट्स कम है परपुर है पटिशर रैश होंगे एंड बोन मैरो वुड भी नॉर्मल बाकी सारे हीमोग्लोबिन हमेटोक्रेन डब्ल्यू बी सारे बाकी चीज़ें नॉर्मल हो एक्यूट ये इट फॉलोज एवर इन्फेक्शन वायरस वायरस एला मीजल या एब्सेंट बार वायरस और क्रॉनिक में है कि अगर एक्यूट वाली ही इतनी प्रसिस्ट करे फॉर मोर देन अयर विद इन ईसल प्रेजेंटेशन ऑफ साइन सिम्टम्स साइंस क्रॉनिक बन जाती है और अदर पैथोफिजियोलॉजी है एक तो बहुत पैथोफिजलॉजी जो जहन में रखनी चाहिए फॉर कंसेप्ट के प्लेटलेट्स के खिलाफ कोई ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और प्लेटलेट्स की बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन के खिलाफ प्लेटलेट्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना जिसके हम लोग अक्सर वो एक और ड्रग यूज़ करते हैं yeah, a, if, if ये लेट सपोज दिस इज़ अ सॉरी इफ दिस इज़ अ प्लेटलेट एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन प्रेजेंट करी तो इस ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं आई आई होप एम क्लियर ये ऑटो एंटीबॉडी है अगेंस्ट द ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्लेटलेट ठीक एंड प्लेटलेट्स कम होंगे के मैकाइड ज्यादा होंगे ये इसके डायग्नोस में लिखा है लो प्लेटलेट काउंट फिफ्टी थाउजेंड या टेन थाउजेंड से कम हो माइल्ड एनीमिया डब्ल्यू बी सी काउंट भी नॉर्मल डिफरेंशियल भी नॉर्मल प्रोथ्रोमिन टाइम एंड एपी नॉर्मल सिर्फ ब्रीडिंग टाइम प्रलॉग होगा क्यों एंड दट इज अ डरेक्ट ऑफ प्लेट क्योंकि प्लेटलेट कम है बोन मेरे एग्जामिनेशन में मैगा केसाइट प्रेजेंट होंगे विल भी इंक्रीज ऑन अक्यूट आई टी पी प्लेटलेट एसोसिएटेड आई जी जी और आई जी एम बोथ विल ऑन प्लेटलेट और इन द

अवॉइड ट्रोमा अवॉड एनी एंटी प्लेटेड ड्रग लाइक एसप्रीन हैप्रिन क्लोरामफेिकॉल वेल्प्रोइ केसिड सल्फोनमाइड एंड कॉबनजपिन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये है कि अगर तो प्लेटलेट थर्टी थाउजेंड से ज़्यादा हैं तो फिर कुछ भी ना किया जाए मतलब प्लेटलेट की ब्लड ट्रांसफर नहीं की जाए लेकिन अगर ट्वेंटी थाउजेंड से कम है टेन uh, थाउजेंड से कम है और सिम्टम्स दे रहे हैं तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए फर्स्ट लाइन में आप लोग क्या दोगे कॉर्टिक स्टेरॉइड्स कॉटिक स्टोराड इंटरवीनस इंटरविनियड लाइक फिडनीसोलॉन स्टेरॉइड्स देंगे और इसके साथ हम आईवी वी भी देंगे अब आईवी वी क्या करेगा हमारे पास जो भी एफसी uh, रिसेप्टर्स हैं ऑन द स्प्लीन जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं प्लेटलेट एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को और फिर उसे डिस्ट्रॉय करते हैं तो एफ सी रिसेप्टर के ऊपर जाकर उसको शर्न कर देगा आईवी वी ब्लॉक्स ब्लॉक एफ सी इन द स्प्लीन एंड प्रिवेंट एंटीबॉडी प्रिवेंट एंटीबॉडी कोटेड प्लेटलेट्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड और ये क्यूड और क्रॉनिक दोनों में दिया जाता है फिर स्टूटॉइड फिटनेस सोलोन है एंड एक और चीज़ जो हम दे सकते हैं और देते हैं एंटी टी आर एच एंटीबॉडी एंटी टी आर एच एंटीबॉडी क्या करती है अब हमें पता है आर एच एंटीबॉडी का रिएक्शन बट यहाँ पे जैसे कि प्लेटलेट और एंटीबॉडी का हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स बना हुआ जो स्प्रिंग के मैक्रोफेजेस खाती हैं क्यों ना स्प्रिंग के मैक्रोफेजेस को डॉट दिया जाए प्लेटलेट की जगह एंटीबॉडी और आर बी सी का कॉम्प्लेक्स भेज दिया जाए एंटी टी आर एच एंटीबॉडी क्या करेगी आर बी सी को इट्स एक्स बायार्मिंग आर बी सी एंटीबॉडी विच बाइंड द माइक्रोफेज एफ सी रिसेप्ट एंड प्रिवेंट प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन प्लेटलेट बचा जो आर डी अपनी कुर्बानी दे देते हैं क्रॉनिक को किस तरह स्टेज में मैनेज करेंगे स्प्रिन एक्टमी और स्टीरॉइड फर्दर ये कि उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ बिकॉज एक्टमीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद एच इन्फ्लूंजा और सारे कैप्स्यूलेटेड ऑर्गेनिजम से हाउ द प्रोग्नोसिस नाइन्टी परसेंट चिल्ड्रन विद आई टी पी हाफ स्पॉन्टोनियस रिमेशन फीचर्स एसोसिएट विद डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक की स्टेज में तब डिवेल चाइल्ड विदल्ड फीमेल ओवर टेन ईयर्स मोर इंसिड ऑफ ब्रूजिंग इन प्रेजेंस ऑफ अदर ऑटो एंटीबॉडीज तो फिर क्रिटिकल मसला हो सकता है वन ऑफ द फ्लोचर्स आई वॉन्ट यू टू कवर विद मी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इट्स वेरी आई हैव रिटन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज इससे मेरी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में यू कम टू नो कि कोई ना कोई अगर कॉज है इटियोलॉजी है और वो क्लियर है दैट देर इज एनी ट्रोमा ड्रग इन्फेक्शन ह्यूमेजियोम मलेगनेंसी सिंड्रोम कुछ ना कुछ है तो इटियोलॉजी इज क्लियर यू हैव टू ट्रीट द इटियोलॉजी बट वन द इटियोलॉजी इज नॉट क्लियर यू हैव टू गो फॉर द सी बी सी पेराफिल ब्लड्स में पी टी एंड ए पी टी टी यू चेक इफ देर इज थर्म्बोसाइटोपिनिया नॉट थर्म्बोसाइडोपिनियनिया मतलब ये कि प्रेगलेट्स कम है कि नहीं है लीड टाइम ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग होगा अगर तो है चेक करें कि उसका पी टी और ए पी है कि नहीं अगर तो डी है तो इट्स क्लियर कट डी आई इसी सबसे और अगर डी नहीं है सिर्फ डी रेड एंड है और ए पी टी टी पी टी टी पी टी इज नॉट डी रेंज देंट इट्स मोस्ट प्राब्ली आई टी पी एच यू एस या टी टी पी थर्म्बोटिक थर्म्बोसाइटोपिनिक परपरा एच एल इस तरह की चीज़ें बट इफ गो बैक टू फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इफ देर इज नॉट नो नो साइंस ऑफ थर्म्बोसाइटोपिनिक पर प्रा चेक पी और ए पी टी टी हैं कि नहीं है अगर तो वो प्रोलॉन्ग्ड हैं और थर्मोसाइटोपिनिया नहीं है सिर्फ पी और ए में मसला है इसका मतलब है कि को कोई फैक्टर सेवन फैक्टर एट को मसला कोई कॉगोलेशन फैक्टर डिफिशेंसी है विल वॉन विल ब्रेंड डिजीज कह सकते हैं लिवर डिजीज़ कह सकते हैं सर्कुलेशन में मसले अगर तो पी टी एपीटीटी में मसला नहीं है थर्मोसाइटोपिनिय भी नहीं है ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्गेशन है so platelet deficiency bleeding time and prolongation that lead to platelet deficiency one brand disease or if it's normal I think it's most likely because of child abuse or von brand disease or vascular purpura it's very important flowchart and that's why i wanted you to go with me through it and i guess yeah that's all about this chapter zakla